कपड़े हमारे लाइफ की ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर्सनालिटी को एनहांस करना हो या फिर अच्छा दिखना हो तो साफ सुथरे कपड़ों की जरूरत पड़ती ही है। एक समय था जब कपड़ों को माँ धोया करती थी, मगर समस्या ये थी कि कपड़ों को धोने से हमारी माओ के हाथ, कोमल हाथ, सख्त हो जाते थे। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस कारण हम अपने कपड़े बाहर धुलवाने लगे, मगर हमें क्या पता हमारे कपड़े कैसे धोए जाते हैं, किस पानी में धोए जाते हैं और कैसे सुखाए जाते हैं, कैसे केमिकल्स डाले जाते हैं, हमें नहीं पता। नमस्कार, स्वागत है आपका IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज IID के इस इंडस्ट्रियल वीडियो के माध्यम से नजदीक से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कमर्शियल वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज में शुरू करें अपना बिजनेस। IID देगा पेपर अलाइड प्रोडक्ट सेक्टर की कंप्लीट नॉलेज। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मेरा नाम निर्वी मखीजा है, मैंने BSc करी हुई है और मेरी कंपनी का नाम है मेकर्स एंड मर्चेंट, और मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये मेरे फादर का ऑलरेडी रनिंग बिजनेस था हमारा, ये ऑलमोस्ट 1976 से था। मैंने कॉलेज के बाद उन्हीं को ज्वाइन करा, फिर 2010 में मैंने अपनी अलग कंपनी खोली, ये मेकर एंड मर्चेंट के नाम से, और ब्रांड ने वही रखा हुआ हमने, सेम कैंपेनर। देखो, मिनिमम तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है कम से कम 500 स्क्वायर यार्ड की होनी चाहिए, हमारी तो फिलहाल 1000 स्क्वायर यार्ड की है। देखो, रॉ मटेरियल तो वही मैंने बताया, ऐसे हैवी प्लेट लगती है इसमें, 4 mm 5 mm की स्टेनलेस स्टील लगेगा, 1.6 mm 2 mm का, फिर वी बेड लगती है, मोटर लगेगी, फिर स्विच गेयर्स लगेंगे, इंडिकेटिंग लाइट होते हैं, PLC भी लगती है आजकल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आती है वो भी लगती है। तो ये सारा मार्केट में अवेलेबल है, होलसेल मार्केट में मिलता है, बाकी सब स्टैंडर्ड है। लोस्कर की, क्रॉम्पटन की मोटर होती है, ड्राइव वगैरह फूजी की होती हैं, स्विच गेयर सारे हमारे LNT के लगे होते हैं, तो ये मार्केट में सब रेडीली अवेलेबल है। हम जैसे हम लॉन्ड्री मशीन कहीं भी बाहर भी भेजते हैं वॉशिंग मशीन, तो किसी को पार्ट चेंज करना वहीं से भी ले सकते हैं, LNT हम भी कूरियर कर सकते हैं, वो एक सामान निकाला दूसरा वहीं लग जाता है, स्टैंडर्ड मटेरियल होता है। देखो, पहले तो रॉ मटेरियल में चैनल आता है जिसका हम बनाते हैं फ्रेम, फिर उसके बाद आता है एक स्क्वायर पाइप जिसका हमारा बनती है बॉडी, हाइट और विड्थ जितनी भी चाहिए होती है उस हिसाब से साइज का ग्राइंडिंग से काट के उसको कटर से उसको फिर हम बेल्ट कर देते हैं। फिर हमारे SS की शीट आती है, उसको हम जो है जो भी हमारा ड्रम बनता है वॉशिंग मशीन का उसका साइज देके उसको हम राउंड करते हैं, राउंड करने के बाद उसको वेल्ड करते हैं, उसके नीचे एक हीटर का हम बॉक्स लगाते हैं, वॉशिंग मशीन बनेगी तो हीटर का बॉक्स लगाते हैं, और ड्रेन जिसमें ड्रेन आता है और हीटर लगते हैं। फिर उसको जो ड्रम है उसके फ्रंट में हम एक लोहे की पट्टी वेल्ड करते हैं, उसमें फिर हम ड्रिल मारते हैं, वही फिर हम जो हमारा फ्रंट बनता है SS का, फिर एक SS कम शीट का बनेगा फ्रंट, उसका जो है अकॉर्डिंगली साइज कटेगा, उसमें भी वो हम लोहे की पट्टी वेल्ड करेंगे, फिर दोनों ड्रम की पट्टी उसको दोनों को हम आपस में बोल्टिंग कर देंगे। उसके बाद जो बास्केट होती है, बास्केट का हम जो है उसको भेजते हैं परफोरेशन करने के लिए, जो ड्रिल होता है उसमें, उसके बाद उसको भी हम राउंड करते हैं, फिर उसमें बास्केट में लिफ्टर्स लगते हैं 3 जो कपड़े को उठा के नीचे फेंकती है, फिर उसके अंदर एक डलता है टायर रॉड, डलता है स्टील का रॉड होता है जो कि बास्केट को दोनों तरफ से हम बोल्टिंग कर देते हैं ताकि वो होल्ड रहे, परमानेंट रहे। फिर बास्केट के पीछे जो है बैक साइड में शाफ्ट लगती है, उसके लिए हम राउंड मंगाते हैं 50 mm का, 60 mm का, डिपेंडिंग किस कैपेसिटी की मशीन है, उस राउंड को फिर हम जो है उसमें 2 बेयरिंग लगते हैं, तो बेयरिंग के साइज से उसको हम फेस करा के बेयरिंग का साइज बनाते हैं, फिर बेयरिंग आता है, बेयरिंग का उसको हम उसमें बेयरिंग डाल देते हैं, फिर बेयरिंग के नीचे हम हैवी प्लेट लगाते हैं 10 mm की, 8 mm की, जिसमें कि ये बेयरिंग जो है रुक जाए। फिर शाफ्ट में जो है हमारा उसमें पुली लगती है, 2 शाफ्ट बनती है, एक मेन बनती है उसमें पुली लगती है, फिर हम पुली ऑर्डर करते हैं, पुली का भी फिर हम शाफ्ट के हिसाब से उसका बोर करा के हम पुली उसमें डालते हैं,
फिर नीचे एक काउंटर शाफ्ट रखती है जो कि स्पीड को कम करती है। फिर एक मोटर आएगी, हमारी मोटर ज़्यादातर 1400 RPM की होती है या 900 RPM की होती है। फिर मोटर क्योंकि हमें स्पीड कम करनी होती है, हमारे को वॉशिंग मशीन में चाहिए होती है स्पीड 35-40 RPM, मोटर की होती है 1400 RPM, तो उसको हम स्पीड कम करने के लिए हम मेन पुली और काउंटर पुली से स्पीड कम करते हैं। या फिर कभी जो है हम बड़े मशीन होते हैं तो उसमें हम गियर बॉक्स लगाते हैं, रिड्यूसिंग गियर बॉक्स, जिससे कि स्पीड कम हो जाए। मोटर गियर बॉक्स लगती है, फिर उसके बाद आता है पैनलिंग का काम। एक कंट्रोल पैनल का बॉक्स बनता है, उसमें सारे पैनल लगते हैं, स्विचेस लगते हैं जो कि ऑटोमेटिक हीटर को ऑन करेगा, टेम्परेचर सेट करेगा। हमारी वॉशिंग मशीन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, उसको ऑटो रिवर्सिंग करने के लिए होता है। फेज ऊपर नीचे ना हो तो फेज के लिए कंट्रोल होता है कि एक फेज आ रहा है तो मशीन स्विच ऑफ हो जाएगी। रिले कॉन्टैक्टर वगैरह लगते हैं, मोटर प्रोटेक्शन के लिए लगता है फ्यूजेस वगैरह। फिर उसके बाद वायरिंग लगती है, वायरिंग भी हमारी 1.5 mm से लेकर 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm, सब तरीके की वायर लगती है इसमें। उसके बाद सारा ये हम होके उसके बाद साइड पे शीट आती है लोहे की, उससे साइड के कवर बनते हैं वॉशिंग मशीन के, उसको फिर वो पेंट होता है। पेंट होने के बाद फिर हम ट्रायल लेते हैं, कपड़ा डाल के भी ट्रायल लेते हैं, पानी में कपड़ा डाल के पूरी अच्छी तरह मशीन चलाते हैं एक दिन। उसके बाद फिर उसको साफ सुफ करके अपना फिर हम पैक कर देते हैं उसको गनी बैग से और कॉरोगेटेड शीट से उसको हम पैक कर देते हैं। प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IID से जुड़े, डाउनलोड द एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। मिनिमम तो कब स्टार्ट करने के लिए, अब देखो डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी। जैसे हमारे मंथली जो है 15-20 मशीनों की कैपेसिटी है, तो हमारे को कम से कम 30-40 आदमी हमारे लगते हैं। स्मॉल स्केल में शुरू करना चाहे तब भी उसको 5-6 मैन पावर तो चाहिए ही है। एक वेल्डर चाहिए, एक पेंटर चाहिए, और एक तो फैब्रिकेटर चाहिए, एक फिनिशर चाहिए, फिटर चाहिए, 5-6 लोग तो चाहिए ही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी कंजम्पशन तो नहीं है, मतलब हमारा जो है सब मोस्टली सब वेल्डिंग सेट्स होते हैं, लेथ की मोटर होती है, तो ज़्यादा तो कंजम्पशन नहीं है। आप आओ तो 20-25 kVA से आप इंडस्ट्री अच्छी खासी चला सकते हो। तो देखो स्मॉल स्केल में मेन तो हमारा रॉ मटेरियल का, इसके लिए काफ़ी वर्किंग सही होती है। हम तो इतने पुराने हो गए तो हमारा तो रोटेशन घूम जाते हैं। जो नया आएगा उसको कम से कम 20-25 lakh-30 lakh तो चाहिए ही है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी देखो डिपेंडिंग करता सर, 30% से लेकर 20% भी है। कई बार बल्क ऑर्डर होता है तो हम 10% पे भी काम करते हैं, डिपेंडिंग। वेस्टेज तो खैर ज्यादा नहीं होते, मोस्टली साइड बाइड के साइड के कॉर्नर्स वगैरह जो कट होते हैं वो ही होते हैं। बाकी तो हम क्योंकि हमारा तो पूरा डिजाइन होता है सारा मशीनों का, तो ड्राइंग के हिसाब से कटता, तो भी ट्राई की वेस्टेज ना हो। वेस्टेज भी होती है, जैसे SS की वेस्टेज होगी, रॉ सिर्फ स्टेनलेस शीट और MS शीट की होती है। वो जैसे SS आप 300 रुपये का हम खरीदते हैं नया वाला, तो 150 में उसका स्क्रैप भी बिक जाता है। तो वेस्टेज तो आप लेके चलो हार्डली 10-15% वेस्टेज है, ज़्यादा नहीं। लाइसेंस तो इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होते, बाकी ये है कि NSCI या MSME में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कोई एग्जीबिशन में भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है और गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है फंडिंग के लिए उसके लिए। वैसे ऐसा कुछ लाइसेंस नहीं चाहिए। तो देखा आपने कैसे कमर्शियल वॉशिंग मशीन को बनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास इस सेक्टर से संबंधित कोई सवाल है या आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप देश के सबसे पहले वर्चुअल इंक्यूबेटर IID से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास है कि आपको यूनिक और स्मार्ट बिजनेस आइडियाज की जानकारी देते रहें। अगर आप किसी भी कारोबार को लेकर कोई जानकारी चाहते हैं तो जुड़िए IID से। IID के मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की सहायता से हमारे वैल्यूएबल मेंबर बनिए और पाइए इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एपिसोड और ढेर सारी बहुमूल्य सेवाएं। साथ ही डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं
और हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।